आज हम बात करेंगे भारतीय जीवन पद्धति पर। लोग इसको हिंदू जीवन पद्धति या वैदिक जीवन पद्धति भी कहते हैं। मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूँ तो यह सनातन हिंदू वैदिक भारतीय जीवन पद्धति ही वैज्ञानिक जीवन पद्धति, ये साइंटिफिक लाइफस्टाइल है, ये स्वस्थ जीवन पद्धति है, हेल्दी लाइफस्टाइल है, ये यूनिवर्सल वैश्विक जीवन पद्धति है। और सबसे बड़ी बात, यह भारतीय हिंदू वैदिक जीवन पद्धति स्वस्थ वैज्ञानिक सार्वभौमिक जीवन पद्धति होने के साथ साथ यह एक स्थायी सात्विक और समग्र जीवन पद्धति। अंग्रेजी में यद्यपि इन शब्दों का पूरा अनुवाद नहीं किया जा सकता, क्योंकि सात्विक शब्द जो है ये यूनिक शब्द है संस्कृत का अपने आप में, जैसे ब्रह्म परमात्मा ये अपने आप में एक यूनिक वर्ड है, धर्म मत पंथ संप्रदाय एक भिन्न बात है। खैर, इस भारतीय सनातन हिंदू वैदिक जीवन पद्धति के संदर्भ में मैं इसलिए आज बात ज़्यादा करना चाहता हूँ, पूरे देश में एक बौद्धिक वैचारिक सैद्धांतिक अराजकता का सा माहौल बनाया जा रहा है। माने हिंदू सनातन वैदिक धर्म को टारगेट करके रोज कोई ना कोई नेता, कोई ना कोई अभिनेता, तथाकथित बुद्धिजीवी कुछ ना कुछ अनर्गल झूठी, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं तो वह बकवास, और सभ्य भाषा में बोले तो एक अनर्गल बात करके, और हमारे देश के बच्चों को, जवानों को अपने ही पूर्वजों से नफरत हो जाए, अपने ही अतीत से घृणा हो जाए, अपने से घृणा हो जाए, एक इस तरह का एक वातावरण बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। मैं आज इस कार्यक्रम में किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत आवश्यक होता है तो मैं नाम भी लेता हूँ, लेकिन इस बात की मैंने कोशिश की है, हमारे बड़ों ने हमको सिखाया है कि जो बदनाम होते हैं उनका नाम अपनी जुबान से लेकर के अपनी जुबान को गंदा नहीं करना चाहिए। और मैं एक बहुत बड़ी लकीर यहाँ पर खींच रहा हूँ, वो विभाजन की लकीर नहीं, मैंने एक मर्यादा की, धर्म की, सत्य की, न्याय की। आज पूरी दुनिया में बात होती है समानता की, बात होती है वननेस की, बात होती है इक्वलिटी की, जस्टिस की, भेदभाव रहित हो करके सौहार्द सामंजस्य हार्मनी हैप्पीनेस की, माने वर्ल्ड हेल्थ, वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड प्रॉस्पेरिटी, वर्ल्ड हार्मनी, ये नारे हैं दुनिया के, जस्टिस ये नारे हैं। लेकिन हो क्या रहा है? हो रहा है अन्याय, हो रही है असमानता, हो रहा है भेदभाव, पक्षपात, और किसके साथ? खास करके हम जो अपने पूर्वज मानते हैं ऋषियों को, उनके साथ, माने सदा पंथ निरपेक्षता के नाम पर, ढोंग आडंबर पाखंड अंधविश्वास के नाम पर हम पर इस तरह से ये कलंक लगाए जाते हैं, हम के ऊपर ये दोषारोपण किए जाते हैं, हमको नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है कि हम लोग भेदभाव करते हैं, पक्षपात करते हैं, हम लोग अवैज्ञानिक सोच रखते हैं, हमसे ज़्यादा वैज्ञानिक सोच रखता कौन है, आखिर बताएं तो सही। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि मेरी भारतीय संस्कृति में, मेरे सनातन हिंदू वैदिक धर्म में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, कोई पक्षपात नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई जातिवाद नहीं है, कोई प्रांतवाद नहीं है, कोई मजहबी उन्माद नहीं है, किसी भी प्रकार से कोई अवैज्ञानिक सोच का रत्ती भर भी स्थान नहीं है। हम तो अपनी भारतीय संस्कृति को यदि चार शब्दों में कहें तो मति, भक्ति, कृति, प्रकृति, संस्कृति। माने हमारा पूरा जो हिंदू दर्शन है, वैदिक दर्शन है, सनातन दर्शन है, हमारे पूर्व ऋषियों की जो ज्ञान परंपरा है, हमारे पास में जो सबसे बड़ी विरासत है,
सांस्कृतिक रूप से, ज्ञान के रूप से, योग, अध्यात्म, आयुर्वेद, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, खेती, बिजनेस, व्यापार, राजनीति से लेकर के जितनी भी हमारी विरासत है उसको मैंने 5 शब्दों में कहा, मति, भक्ति, कृति, प्रकृति, संस्कृति, और हम इस संस्कृति और समृद्धि को साथ साथ लेकर के चले, और वही मूलतः धर्म है। धर्म क्या है? जिसमें एक तरफ सांस्कृतिक उत्कर्ष हो और दूसरी तरफ समृद्धि के शिखर हो। यह तो अभ्युदयनिश्रेय सिद्धि सधर्म, इसी को हमारे ऋषियों ने धर्म कहा है। हम किसी का अनादर नहीं करते, हम मुसलमान का अनादर नहीं करते, हम ईसाई का अनादर नहीं करते, अन्य जो अपने ही हैं आखिर, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, हम किसी का अनादर नहीं करते। मजहबी तौर पर, जातिगत तौर पर हम जाति परंपरा के समर्थक ही नहीं, हमारी पूरी ऋषि संस्कृति इसकी समर्थक नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जैसे आजकल अलग अलग प्रोफेशंस हैं, अलग अलग वर्क्स हैं, अलग अलग स्किल्स हैं, उसके आधार पर आप इसको वर्क कहो, प्रोफेशन कहो, स्किल कहो, या अलग अलग प्रकार के किसी भी डिपार्टमेंट में डिविजन्स बोलते हैं, डिपार्टमेंट बोलते हैं, वो ये हुआ करते थे। कभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिसको वेदों में कहा ब्राह्मण से मुखमासित बाहु राजन्य कृता रुतदस यद वैश्य पद्भ्याम शूद्रो अजायत, अपने शरीर में ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, अपने शरीर में 4 वर्णाश्रम धर्म। खैर, अब मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ आज बहुत गंभीरता, प्रामाणिकता से, और मैं चाहता हूँ सब माता पिता खुद सुने, अपने जवान बेटा बेटियों को ये सुनाएं, बताएं, और एक ऐसा वैचारिक विमर्श, एक ऐसा मंथन चिंतन घरों में, ऐसी बातचीत होनी चाहिए, आखिर हमारा धर्म, हमारा अध्यात्म, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारी परंपरा, हमारी रीति रिवाज, ये क्या है। सबसे पहले मैं धर्म की बात शुरू करता हूँ। मेरे साथ में आप देख रहे हैं, ये हमारे मूल धर्म ग्रंथ हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और आयुर्वेद को हमारे यहाँ उपवेद भी कहे हैं, फिर इसमें चरक है, सुश्रुत है, धन्वंतरी हैं, फिर हमारे यहाँ स्मृतियाँ हैं, फिर ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक हैं, फिर रामायण महाभारत हैं, फिर हमारे 18 पुराण हैं, श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का ही जो है एक महत्वपूर्ण प्रसंग है। खैर, इतनी बड़ी ज्ञान की विरासत अपने पूर्वजों के प्रखर मेधा पर, उनके उन्नत चरित्र पर, उनके शौर्य पराक्रम पर, उन्होंने जिस तरह से देश और दुनिया में बड़े बड़े ज्ञान के साम्राज्य, संवेदनाओं के, समृद्धि के, संस्कारों के, सेवा के बड़े बड़े साम्राज्य खड़े किए, उस पर हमें फख्र होना चाहिए। मैं मूलतः कुछ शब्दों के बारे में बात करके फिर आगे बढ़ जाता हूँ। धर्म क्या है? धर्म है जीवन का श्रेष्ठ आचरण, धर्म है प्रकृति, मनुष्य मनुष्यतर जड़ चेतन जीव जगत का स्वभाव, जो भी शब्द बोले, अर्थात पानी का धर्म है प्यास बुझाना, शीतलता बहना, अग्नि का धर्म है उष्णता, प्रकाश, रोशनी, ऊर्जा, पेड़ पौधों का धर्म है ऑक्सीजन देना, औषधि ये शक्ति देना, ये पेड़ पौधों का धर्म है, छाया देना, फर्नीचर और तमाम तरह की चीज़ें, पृथ्वी का अपना एक धर्म है जो उसमें डालते हैं उसको मल्टीप्लाई करके वापस देती है, सूर्य चंद्रमा का अपना एक धर्म है, इस पूरे अस्तित्व का एक धर्म है, एक स्वभाव है, इसी को मैंने कहा प्रकृति की भी एक प्रकृति है, उस प्रकृति को, उस नेचर को, उस स्वभाव को धर्म का, ये धर्म का बड़ा अर्थ है। ये मजहब, मत, पंथ, संप्रदाय, ये बिल्कुल अलीदा शब्द है, और इनकी भी एक परंपरा है। किसी महापुरुष ने कोई एक विशेष परंपरा शुरू की, उसको मत, पंथ, संप्रदाय या मजहब कहते हैं, लेकिन जो एक वैश्विक व्यवस्था है, एक यूनिवर्सल सिस्टम है, एक यूनिवर्सल लॉ है, एक यूनिवर्सल नॉलेज है, उसको हमारे यहाँ पर धर्म कहा है, उसको हमारे यहाँ पर संस्कृति कहा है। खैर,
धर्म के बारे में ऐसे अपने बच्चों को बताइए। और यदि धर्म के डेफिनेशन शास्त्रों की दृष्टि से कहें तो ये भी आप बताइए, यथाभ्युदयने श्रेयसः सिद्धि स धर्म, आप बताइए उनको, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चावधार्यतम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशम न समाचरे, धृति क्षमा धमोस्ते शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्य मक्रोध दशकम धर्म लक्षणम, ये भी धर्म की परिभाषाएं बताइए। यह जो हमारा मूल धर्म है, मूल संस्कृति, उसको हम वैदिक धर्म कहते हैं। अब इसको आप सनातन हिंदू संस्कृति बोलिए, जो भी शब्द हैं, तो शब्दों का प्रयोग तो वक्त के साथ थोड़ा उसमें रूपांतरण होता रहता है। खैर, धर्म, संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज, परंपरा, ये एक ही बात है। और हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में, हमारी रीति रिवाजों में, हमारी परंपराओं में, हमारे संस्कारों में हमें किसी से नफरत सिखाई नहीं गई है। नफरत, घृणा, वैर, विद्वेष, असमानता, भेदभाव, अन्याय, शोषण, ये हमारी संस्कृति है ही नहीं। खैर, अब आगे की बात करते हैं। हिंसा से लेकर के और तमाम तरह की दूसरी बातें बहुत थोपी जा रही है भारतीय संस्कृति के नाम पर। भारतीय संस्कृति को बदनाम, वैदिक परंपराओं को, अपने पूर्वजों को बदनाम करने के लिए नहीं सकते। अरे, हमने तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपस्या, अध्याय, ईश्वर प्रणिधान, माने इनको सार्वभौम महाव्रत का, कि पूरी दुनिया को यदि समृद्धि के रास्ते पर लाना है, सुख शांति वैभव के रास्ते पर, परम वैभव के रास्ते पर लाना है, पूरी दुनिया में सबके जीवन में सुख हो और समृद्धि हो, तो फिर यही नियम। खैर, ऐसे अपने धर्म, संस्कृति, अपने संस्कार, अपनी परंपरा, अपनी विरासत, अपने रीति रिवाज, इनके ऊपर हमें गौरव होना चाहिए। लेकिन हमने कभी भी धर्म, रीति रिवाज, परंपरा और संस्कृति के नाम पर ढोंग, आडंबर, अंधविश्वास, पाखंड को कभी कोई पनाह नहीं दी, कभी उसका समर्थन नहीं किया, कभी उसको जिया नहीं। खैर, अब आगे की मैं बात करता हूँ। माने जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, वैसे धर्मनिरपेक्ष शब्द निरर्थक है, धर्मनिरपेक्ष को हो ही नहीं सकता, पंथ निरपेक्ष हो सकते हैं, वो हमें होना चाहिए, हमें संप्रदाय निरपेक्ष, लेकिन जो है धर्मनिरपेक्ष तो हो ही नहीं सकते। खैर, ये तो जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है अपने मूल पारंपरिक सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत और भाषा का, जिनको बोध नहीं है, वो ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं। माने सेकुलरिज्म के नाम पर टारगेट कभी भी मुसलमान को नहीं किया जाता, ईसाई को नहीं किया जाता, यहाँ तक कि सिख, जैन, बौद्धों को भी नहीं किया जाता। मैं मानता हूँ कि किसी को भी टारगेट नहीं करना चाहिए, फिर हिंदू को टारगेट क्यों किया जाता है? हमारे पूर्वजों को, गौतम, कणाद, जमिनी, पाणिनि, पतंजलि, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद को क्यों टारगेट किया जाता है? भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव और माता पार्वती, सीता, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती को क्यों टारगेट किया जाता है? हमारी वीरता को कायरता, हिंसा, बर्बरता और हमारी विनय को, हमारी शालीनता को, हमारे धैर्य को, उसको हमारी पराजय, हमारी दुर्बलता कह करके, और किस किस तरह से एक, मैंने कहा, बहुत बड़ा बौद्धिक वैचारिक षड्यंत्र देश में चलता है, उससे हम खुद बचें, अपने घर परिवार को, अपने समाज, राष्ट्र को, अपने युवा पीढ़ी को, अपने देश को हम बचाएं।